good morning children today i will start the fifth chapter of seventh class english reader that is the future it is a poem which is in which, which is based on the pollution which is the greatest problem which are which we are facing today and we human are ourselves responsible for this it's ये पोएम जो है पॉल्यूजन पर बेस है या आधारित है जिस जो जिसके लिए हम लोग खुद जिम्मेदार हैं हम लोग ने ही इसको एयर को पॉल्यूट किया है एयर को गंदा किया है इट्स अ हाई टाइम वी डू समथिंग टू सेव द अर्थ एंड प्रिजर्व इट इसके लिए हमें अब कुछ यही सही टाइम है जिसके लिए हम इस पर इसी टाइम करेंगे जब ही हम लोगों का इस अर्थ को आगे आने वाली जनरेशन के लिए बचा पाएंगे दिस इज वॉट दिस पोयम टेल अस अबाउट यह पोयम जो हमें इसके बारे में ही आगे बताएगी वर्ट डज द फ्यूचर होल्ड फॉर अस हमारे लिए आगे भविष्य में क्या है स्मोक फिल्ड स्काइ एंड पॉइजन कार जो धुआं कारों से निकलता है वो हमारे लिए नुकसानदायक होता है जहरीला होता है एंड ब्रोकन लैंड एंड यूजलेस डस्ट ब्रोकन लैंड जो ज़मीन ज़्यादातर वहीकल्स के मूमेंट से टूटती है उससे धूल उड़ती है यूज़लेस जो हमारे स्वास्थ्य को भी नुकसान पहुँचाती है एंड नेचर्स ब्यूटी बिहाइंड बास और इससे धूल उड़ने से और धुएँ से जो हमारी प्रत प्राकृतिक सुंदरता है वो बिल्कुल पीछे हो जाती है वो हमें दिखाई भी नहीं देती कैन आई एवर शो माई चिल्ड्रेन इफ दे ऐवर कम माई वे द ब्यूटी ऑफ द सनसेट एट द एंडिंग ऑफ द डे क्या मैं कभी अपने बच्चों को दिखा पाऊँगा ब्यूटी ऑफ द सनसेट सनसेट सूर्य अस्त अस्त की, की सुंदरता जो दिन के आखिर में दिखाई देती है कैन आई वॉक इन टू अ फॉरेस्ट एंड सराउंड माई सेल्फ ट्रीज क्या मैं जंगलों में जा सकता हूँ और मेरे चारों तरफ पेड़ हों उससे घिरा हुआ हूँ ट नो दैट इट विल रिमेन फॉर मी टू विजिट एज आई प्लीज ये सिर्फ मैं सोच ही सकता हूँ जा नहीं सकता कैन आई सेट अप ऑन द सी श्योर एंड ब्रीथ इन सॉल्टी एयर क्या मैं समुद्र के किनारे पर बैठ सकता हूँ और सॉल्टी एयर क्योंकि उसमें नमक मिला होता है उसकी नमकीन हवा मैं ले सकता हूँ और इट विल बी सो डर्टी और क्या वो वो भी इतनी गंदी हो जाएगी दैट इट इज़ अनसेफ टू बी देयर वहाँ जाना भी नुकसानदायक होगा आई नो दैट आई कैन टुडे डू ऑल द थिंग्स आई हैव सेड मैं जानता हूँ ये सब चीज़ें मैं कर सकता हूँ जो मैंने पहले कहा बट वेन टूडे इज यस्टरडे लेकिन आज जो है वो कल हो चुका है विल ऑल थिंग्स दे बी डेड सारी चीज़ें अब जो नेचुरल ब्यूटीज़ हैं ख़त्म सी होती जा रही हैं दिस प्रॉब्लम इज़ इनॉर्मस एज वी ग्रेजुअली टेक हीट ये समस्या बहुत बड़ी है लेकिन हम इस पर ध्यान नहीं देते बहुत कम ध्यान देते हैं सो so, वी मस्ट फिक्स एट क्विकली यूजिंग वर्ड्स एंड थाट्स एंड डीड्स इसके लिए हमें जल्दी से जल्दी ध्यान देना चाहिए इसके बारे में सोचना चाहिए और कुछ करना भी चाहिए अपनी पृथ्वी को अपने अर्थ को बचाने के लिए राइट अ लेटर स्टार्टेड अ ग्रुप और डू समथ दैट सीम्स स्मॉल चाहे उसके लिए हमें चाहे ग्रुप्स बनाना पड़ें लेटर लिखना पड़ें शुरू करेंगे तो हमें लगेगा कि ये थोड़ा सा है हम थोड़ा ही काम कर रहे हैं फॉर वाट एवर इज़ डन टू एट द अर्थ इज फंटास्टिक फॉर ऑल ऑफ अस्ट अगर हम थोड़ा सा भी अपनी ज़मीन को प्रिजर्व करेंगे सेव करेंगे उसका बचाव करेंगे ये हम सब के लिए लाभदायक होगा अच्छा होगा इफ़ वी सेव वॉट देयर बिफोर अस यही सही टाइम में हमें बचाना भी है इन चीज़ों के लिए आगे बढ़ना पड़ेगा सो इट विल बी देयर वी गो अगर हम अभी इसको बचा लेंगे तो आगे हम लोग को ये सब चीज़ें मिलेंगी दे विल बी देन वी विल लीव अ गिफ्ट मोर प्रीशस यही सबसे बड़ा कीमती या विशेष बहुमूल्य गिफ्ट होगा बच्चों के लिए जो हम नेचुरल ब्यूटीज़ लो बचा सकें और इसके लिए आगे बढ़कर काम करें